नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम। कक्षा 10 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 7 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम है। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का आपके नाम एक छोटा सा थाट, एक शिष्य ज्ञान के महत्व को याद करते हुए और गुरु से फरियाद करते हुए कहता है, गुरु तेरे दर पर आने से पहले मैं कमजोर होता हूँ, गुरु तेरे दर पर आने से पहले मैं कमजोर होता हूँ, पर तेरे ज्ञान की दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। तो आइए दोस्तों, इस ज्ञान की दहलीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पाठ नंबर 7 में आज हम पढ़ेंगे आश्रित उपवाक्यों के प्रकार या भेद या प्रभेद, उसी को हम प्रकार भी कहते हैं और उसी को दूसरे शब्दों में भेद या प्रभेद भी कहते हैं। तो भेद प्रभेद एक ही चीज है, उसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आश्रित उपवाक्यों के प्रकार क्या क्या हैं। तो आश्रित उपवाक्यों के प्रकार 3 हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संज्ञा उपवाक्य के बारे में, उसके बाद विशेषण उपवाक्य, उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपके सामने एक नया शब्द है उपवाक्य, जिसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं। संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण आप जानते हैं, जब संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण आप जानते हैं तो थोड़ा सा और उसमें परिवर्तन करके समझने की जरूरत है, तो आप संज्ञा उपवाक्य भी समझ जाएंगे। आइए संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं उसको भली भांति समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा को मैं सरल शब्दों में लिखा हूं, क्योंकि बुक में जो परिभाषा है थोड़ी सी कठिन है, जिसको आप समझ नहीं सकते। आइए, जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग, आश्रित उपवाक्य के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में। आश्रित का मतलब होता है प्रधान, मेन, और उस पर जो वाक्य निर्भर होता है उसी को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्लियर? जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है, प्रधान उपवाक्य का मतलब जो मेन उपवाक्य होता है उसमें एक संज्ञा होती है, ठीक है, और प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है, अर्थात प्रधान उपवाक्य में एक संज्ञा होती है, उस संज्ञा के स्थान पर वो संज्ञा क्या कहना चाहता है उसका जो स्टेटमेंट होता है वही आश्रित उपवाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, उसी को हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जब हम एग्जांपल आपको बताएंगे तो संज्ञा उपवाक्य आसानी से आप समझ जाएंगे। आइए, इसमें कुछ विशेष है। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ यानी संज्ञा उपवाक्य को पकड़ने का तरीका क्या है, संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होता है, राइट? और दूसरा है विशेष, परंतु कभी कभी की गायब रहता है, अर्थात संज्ञा उपवाक्य को पकड़ने का सरल तरीका है कि उसकी शुरुआत की से होगी या तो कभी कभी की गायब रहता है, ठीक है, या तो आप की से पकड़ेंगे, अगर की नहीं है तो ये जो परिभाषा दी गई है इस परिभाषा को समझने के बाद आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम आपको परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों साथ साथ बताते हैं। ये बीच में जो आ रहा है इसको कनेक्शन इसका हटा दो, हाँ, प्रचार टाइप आ रहा है। चलिए, संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है परंतु कभी कभी की गायब रहता है। आइए देखिए, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ये देखिए, ये जो वाक्य है ये प्रधान उपवाक्य है जो मैं लिखा भी हूं, ठीक है, और मैं आपको बताया हूं यहां पर कि संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है, इसका मतलब ये संज्ञा उपवाक्य है, सदा सत्य बोलो, क्योंकि इसकी शुरुआत की से हुई है, परंतु कभी कभी यही की गायब हो जाता है।
जाता है, ये जो की है कभी कभी गायब हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आए। आइए परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा कह रहा है जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग, ये आश्रित उपवाक्य है सदा सत्य, इसी को हम आश्रित उपवाक्य भी कहेंगे, संज्ञा उपवाक्य भी कहेंगे। जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर, प्रधान उपवाक्य ये है ये गांधी जी ने कहा, तो प्रधान उपवाक्य में संज्ञा क्या है, गांधी जी है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो संज्ञा के स्थान पर होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, और प्रधान उपवाक्य में गांधी जी एक संज्ञा है, लेकिन जो गांधी जी का स्टेटमेंट है वह है सदा सत्य बोलो, एक कथन है, ठीक है। तो आश्रित उपवाक्य में गांधी जी यहां नहीं है, गांधी जी का कथन है, एक कथन ही क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, यही संज्ञा उपवाक्य भी कहलाएगा। फिर से एक बार देखिए, जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग, ये आश्रित उपवाक्य सदा सत्य बोल, प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर, प्रधान उपवाक्य की संज्ञा गांधी जी है, इसके स्थान पर गांधी जी न रहकर उनका कथन है, जब वह होता है उसका प्रयोग होता है उस संज्ञा का स्टेटमेंट का, तो वही स्टेटमेंट संज्ञा उपवाक्य कहलाता है, और संज्ञा उपवाक्य ही आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यहां देखिए उपरोक्त उदाहरण में गांधी जी प्रधान उपवाक्य का संज्ञा है, ये प्रधान उपवाक्य, इस प्रधान उपवाक्य का संज्ञा क्या है, गांधी जी है। भाई संज्ञा किसे कहते हैं, नाम बताने वाले को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तथा सदा सत्य बोलो गांधी जी के स्थान पर प्रयोग हुआ है, हुआ है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसलिए सदा सत्य बोलो जो कथन है वह क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य आपको समझ में आया। अगर संज्ञा उपवाक्य आपको समझ में आ गया तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है कि जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा है उसके स्थान पर, यानी प्रधान उपवाक्य की जो संज्ञा है, संज्ञा का जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट आश्रित उपवाक्य में प्रयोग होता है, वही संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। संज्ञा उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य, एक ही वाक्य को दोनों नाम दिया गया है, ठीक है। वाक्य में आए संज्ञा पदबंध, यानी जो संज्ञा उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, उस वाक्य में एक संज्ञा पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध को स्थानापन्न कर सकता है या बदल सकता है, यानी संज्ञा पदबंध में बदलाव हो सकता है, ठीक है, जो संज्ञा का पदबंध है, परंतु कैसे, अब प्रश्न उठेगा कैसे बदलाव होगा, यानी संज्ञा जो उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है उस वाक्य में उसी संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत या कहें आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत जो संज्ञा पदबंध है वो कैसे बदल सकता है उसको हम जानेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है। तो उसको बदलने से पहले, अच्छा उसकी एक परिभाषा और देखते हैं। आश्रित उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत जहां जहां संज्ञा पदबंध रहेगा वहां वहां संज्ञा पदबंध बदल भी सकता है, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सबसे पहले संज्ञा पदबंध किसे कहेंगे उसको समझ लेते हैं। जब एक से पद मिलकर, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे कोई नाम हमने दे दिया कमल, तो कमल एक संज्ञा है, और कमल से संबंधित कुछ और पद जुड़े हुए हों, बधे हुए हों, उसी को संज्ञा पदबंध कहेंगे। जैसे कमल संज्ञा है, मैं कहूँ सुंदर कमल, इस संज्ञा का पदबंध हो जाएगा, यानी संज्ञा के साथ कुछ और पद जुड़ गए। अगर मैं कहूँ रंग बिरंगे सुंदर कमल, तो कमल तो इसमें संज्ञा है लेकिन उसके पद कुछ बधे हुए हैं, रंग बिरंगे और सुंदर, मेरी बात समझ में आ गई।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैं दिया हूँ। फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध में संज्ञा मुख्य होता है, अन्य सभी पद संज्ञा पर आश्रित होते हैं अर्थात संज्ञा के साथ जुड़े रहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, ऐसे ही तीर लेकर आया हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे तालाब में कमल खिले हैं, कमल क्या एक संज्ञा है, एक सिर्फ संज्ञा एक नाम है, लेकिन उसके साथ कुछ और पद उसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और सब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, तालाब में सुंदर कमल खिले हैं, अब कमल क्या है संज्ञा है, संज्ञा है, लेकिन इस कमल के साथ और भी पद जुड़ गए सुंदर, तो इसी को हम संज्ञा पदबंध दोनों को कहेंगे। तीसरा एग्जाम्पल, तालाब में रंग बिरंगे सुंदर कमल खिले हैं, अब कमल क्या है संज्ञा है, लेकिन ये सब क्या है उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे, रंग बिरंगे सुंदर, इसी सब को हम क्या कहेंगे संज्ञा पदबंध कहेंगे। तो यहाँ बदलाव हो सकता है, जो यहाँ कमल था सुंदर कमल हो गया, जो सुंदर कमल था वो रंग बिरंगे सुंदर कमल हो गया, यानी जो संज्ञा पदबंध है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक पद हो सकते हैं, उसी को संज्ञा पदबंध कहते हैं। आइए शीला ने मुझसे, अब यहाँ एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको परिभाषा दिया था संज्ञा पदबंध का कि कैसे बदल सकता है, उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेगा इसके नीचे दिया है। संज्ञा उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य वाक्य में आए संज्ञा पदबंध को बदल सकता है, कैसे बदल सकता है यहाँ एग्जाम्पल है। शीला ने मुझसे कुछ कहा, शीला ने मुझसे कहा कुछ कहा, ये कुछ ही क्या है संज्ञा पदबंध है। अब कुछ के जगह पे कुछ और हो सकता है, शीला ने मुझसे एक बात कही, यानी कुछ के जगह पर हम दूसरा संज्ञा पदबंध लिख सकते हैं एक बात, ये भी संज्ञा पदबंध है, या एक बात की जगह पर हम लिख सकते हैं शीला ने मुझसे बहुत सारी बात कही, ये संज्ञा पदबंध है, यानी संज्ञा क्या कह रही है, ठीक है, क्या कह रही है उसको हम कुछ दूसरे पद में दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, वही संज्ञा पदबंध है, उसी संज्ञा पदबंध को हम बदलाव कहते हैं कि यहां बदल सकता है। तो दोस्तों अगर इसमें कोई भी आपको कहीं से दिक्कत हो, हमें लगता है कि आपको दिक्कत अवश्य होगी, लेकिन आपसे निवेदन है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको समझना जरूरी है, तभी आप सरल से संयुक्त वाक्य समझ पाएंगे और संयुक्त से मिश्रित वाक्य बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप प्रश्न अवश्य करें, जब मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ इसको आप देखेंगे तो इसमें प्रश्न करेंगे, फिर मैं लिखित के रूप में या आप फोन भी कर सकते हैं तो मैं वहाँ पर फिर से बताऊँगा। जब तक आपके अंदर प्रश्न नहीं बनेगा और जब मैं नहीं फिर से बताऊंगा तब तक वह क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।